नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो तेज तर्राक हैं, जो फटाफट काम करना जानते हैं, जो आलस्य से दूर हैं, जो उम्र में छोटे लगते हैं, चिर युवा हैं, थोड़ा डबल व्यक्तित्व है, दो व्यक्तित्वों को लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं बुध के प्रथम राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल सप्ताह। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह 28 तारीख से लेके 3 नवंबर तक का सफर कैसा रहेगा? डे टू डे रहिए अपडेट आचार्य देव और टीम ज्योतिष मंजरी के साथ। नक्षत्रों के अनुसार दीपावली कैसे रहेगी आपकी, कितना शुभ होगी, कहाँ से रखना होगा ध्यान, सारी बातों की चर्चा इस वीडियो पे चंद मिनटों में। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध है आपको आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। आपको, आपके परिवार को, आपके कुटुंब को और आपके समाज को, पूरे भारतवर्ष को, आर्यावर्त को, संपूर्ण सनातनियों को दीपावली की मंगलमय शुभकामना। माता रानी कृपा करें, अर्थ कमाइए। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। ठीक है, यस टका नास्ति सह टकटकायते, तो पैसा जरूरी है। कैसा रहेगा प्रथम दिन? तो प्रथम दिन सोमवार का दिन, पराक्रमी हैं आप, मेहनत करते हुए जाएंगे। पराक्रम वो जो आपका परिचय कराए, तो थोड़ा सा घुमक्कड़ रहेंगे, थोड़े से स्वभाव में आपका घूमना आएगा, तो थोड़ा घूमना भी चाहिए, आनंद के साथ रहना चाहिए। जीवन आनंद का विषय है, और जीवन में जिसने आनंद खोज लिया ना, फिर उसको परमानंद खोजने में समय नहीं लगता, बस स्टार्टिंग तो करनी है ना। तो दिन मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा काम करेंगे और आप आनंद के साथ इस दिन आगे बढ़ेंगे, हर तरह से लाभकारी है। 29 मंगलवार, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल का दिन है और सूर्य नारायण का नक्षत्र है, तो सूर्य नारायण तेज के प्रभाव में है। ठीक है ना, तो आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड तो रहेगा, थोड़ा सा आर्डर दोगे, लेकिन सुख के घर में जा रहे हैं, तो मित्र बंधु बांधवों के साथ सुख का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ लोग ऑर्डर देंगे, कुछ लोग ऑर्डर नहीं लेंगे, उससे मन में क्लेश होगा, तो कोई बात नहीं, इग्नोराय नमः। ठीक है ना, बस इतने से ध्यान देना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 30 तारीख बुधवार, हर तरह से खुशी मिलेगी, बड़े लोग सपोर्ट करेंगे, बड़े लोग शत प्रतिशत सपोर्ट करें। आपके घर में अगर कोई चीज़ एक बार आप कह देते हैं, मान लेंगे लोग, नहीं दोबारा कहेंगे डेफिनेटली मान लेंगे। तो घर वालों का प्रेम, घर वालों का स्नेह, दोनों माताओं का स्नेह मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बच्चों से आपका स्नेह मिलेगा, बच्चे भी प्यार करेंगे, आपके हाथ में जादू होगा, जो चाहोगे वो कर ले जाओगे, डेफिनेटली आप कलाकार होंगे इस दिन। ठीक है ना, तो अच्छा है, इस दिन का उपयोग करें। लक्ष्मी पूजन क्योंकि अब आरंभ हो चुका है एक दिन पहले ही। 31 तारीख गुरुवार, चित्रा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र है, चित्रा का मतलब होता है संतुलन बनाने वाला, 13 नक्षत्र इसके ऊपर और 13 नक्षत्र इसके नीचे। जीवन में संतुलन बना के चलना ही जीवन है। आप अपने हार्ट बीट देखिए ना, ईसीजी कराइए, लाइनिंग ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे 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 ऐसे, सीधी हो गई बात, खत्म। सूर्य नारायण की भी तीन गति होती है प्रतिदिन, तीन अवस्था होती है, उसी तरह हमारे जीवन में अवस्थाएं होती हैं, तो हमें सामंजस्य बना के चलना है। एक प्रश्न आपके साथ ये होगा कि दीपावली किस दिन मनाएं, तो मित्र अभी तक संदेह है, तो संदेह से आप दूर हो जाएं, दीपावली 31 को ही मनाएं। उसके मनाने के पीछे कुछ तथ्यात्मक तर्कपूर्ण कारण है, क्योंकि अमावस्या 31 तारीख को रात्रि में ही मिल रही है और 1 तारीख की रात में अमावस्या नहीं मिल रही है। आपको जो दीपावली में पूजन करना है, जो सिद्ध करना है, शुद्ध होना है, जो तंत्र मंत्र यंत्र जितनी चीजों को एनर्जेटिक करना है, वो सारे 31 तारीख को रात्र में ही मिलेंगे, 1 तारीख को नहीं मिलेंगे। 1 तारीख को आप रात में जा रहे हो तो प्रतिपदा मिलेगी, कोई आपको कनकधारा स्त्रोत, लक्ष्मी स्त्रोत, श्री यंत्र की पूजा कुछ भी करना है ना, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए पूजन इसी दिन करिएगा। ठीक, मंगल का नक्षत्र है, बैलेंस करके चलने वाला है। जिस दिन आप दीपावली मना रहे हैं, तो आपके जो चंद्रदेव हैं उनकी स्थिति आपके बर्थ चार्ट में सुख के घर में है, इसका मतलब दीपावली सुखपूर्ण जाएगी। दीपावली पे लक्ष्मी कृपा प्राप्त करिए और वर्ष भर के अंदर कोई वाहन ले लीजिए या कोई जमीन ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त अवश्य करिए। लक्ष्मी के पूजन के लिए मैं आपको विशेष टिप्स नहीं दूंगा। अब आपके बर्थ चार्ट में आप देखें तो मंगल महाराज लाभ के स्वामी हैं, शनि महाराज आपके व्यापार के स्वामी हैं और चंद्रदेव आपके धन के स्वामी हैं। तो चंद्र, मंगल, शनि, इन तीनों की युति आपके जीवन को, जीवन के
आर्थिक त्रिकोण को सुधार देगी। ठीक, तो हनुमान जी के लिए दीपदान अवश्य करिएगा। शनि मतलब निम्न तबके के लोग, शनि मतलब गरीब मेहनत कश लोग, तो आप लड़ी खरीदो, मैं मना नहीं करूंगा, चाइनीज का विरोध करो, ऐसा नहीं है। आप गरीबों से दीपक भी खरीदो, जो गरीब रोड पे बैठे हैं ना, दरअसल ये अपनी नई फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं परचेस इकट्ठा कर रहे हैं, जो आप माल से ले आते हैं, ऑनलाइन लाते हैं, ये बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए बैठे हैं सर, अपने 7 पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं। बट जो रोड पे बोरी बिछा के बैठा है ना, इनसे जरूर सामान परचेस करना, क्योंकि ये शनि है, इनके चेहरे पे खुशी लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करेगी। ठीक है, तो इस दिन लक्ष्मी पूजन करिए, सपरिवार करिए, सबको साथ लेके करिए, बेहतर होगा। 1 तारीख शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र। वैसे भी स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में लक्ष्मी पूजन का विधान नहीं है, मंगल के नक्षत्र में, क्योंकि मंगल धरती पुत्र हैं, उनके नक्षत्र में लक्ष्मी पूजन करना ज्यादा तर्क संगत न्याय संगत होगा। इस दिन आप बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट घर में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। घर में कोई इलेक्ट्रिक वर्क करते हुए सावधानी बरतें, और कोई जली हुई आइटम फिर से जलाने की कोशिश ना करें। तेज धार के हथियार या कोई चीज जो पता लगा करंट नहीं चल रहा, लाओ चेक कर लेते हैं, करंट मार देगा, सावधानी अपेक्षित है। कुछ लोग बात बीच बीच में काट देंगे, तो इग्नोर आय नमः ओम घनघोर इग्नोर आय नमः, बस परेशान मत होइएगा। 2 तारीख शनिवार, डेफिनेटली लाभकारी दिन है। मन थोड़ा चंचल रहेगा, मन भागेगा, दो तरफा मन भागेगा, कर्म क्षेत्र भी खींचेगा और बाबू छोना मोना भी खींचेंगे, ठीक है, उनका भी प्रेम स्नेह खींचेगा। तो जीवन आनंद का विषय है, मित्र आनंद के साथ बढ़ते रहिए, राधे राधे करते रहिए, वो टेंशन नहीं लेना है। 3 तारीख रविवार, अनुराधा थोड़ा सा दबेगा, थोड़ा मन तो दबेगा, ठीक है ना, जिन्होंने बुलाया है वो आएंगे नहीं, जिन्होंने कहा फोन पे इंतजार करना, मैं अभी फोन करूंगा या करूंगी, वो फोन नहीं करेंगे, तो मन थोड़ा दबेगा। ईश्वर के शरण में जाइएगा, आराधना उपासना का नक्षत्र है, तो ईश्वर के शरण में जाने से सब कुछ राधे राधे होगा। तो खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। दीपावली आपके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। जय जगदम्ब।